राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार को कार रेसिंग के दौरान हुई दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को APO कर दिया गया है तथा संभागीय आयुक्त को इस मामले की विस्तृत जाँच कर 7 दिन में गृह विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। कल सुबह करीब सुबह 8 बजे बलरावाड़ा गांव से होतड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ये मैक्स कंपनी है, उनका कोई कार का रेसिंग का प्रोग्राम था और जिसके बारे में ग्रामीणों को और जो भी यहां पे लोग हैं, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, उनको अवगत नहीं कराया गया था। इसी दौरान रेस के दौरान ही जो स्थानीय किसान हैं रमीचंद सरगरा, उनकी मिसेज और एक बच्चा जो कि खेती कार्य के लिए अपने खेत में जा रहे थे, तो करीब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार आई और तीनों को उन्होंने उछाल दिया और ऑन स्पॉट तीनों के एक्सपायर हो गए। उसके बाद में ग्रामीण इकट्ठे हुए, ग्रामीणों ने विरोध किया, पुलिस भी आई, प्रशासन भी आया, परंतु पिछले 24 से 30 घंटे बीत चुके हैं परंतु अभी तक इसी का कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। पुलिस आ रही है, प्रशासन आ रही है और सहानुभूति दे के जा रही है, परंतु अभी तक न तो किसी को गिरफ्तार किया गया है, न कोई मुआवजे की बात की गई है, न किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है। ये लोग आ रहे हैं, अभी 24 घंटे से बॉडी पड़ी है यहाँ पे, बॉडी को उठाया नहीं है ग्रामीणों ने और सब लोगों ने मिलके, परंतु पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। हम लोगों ने 3 मांगे, परिजनों की क्या मांगे, परिजनों की 3 मांगे थी, उसमें एक मुआवजा था जो कि ये प्राइवेट मैक्स कंपनी है, उस मैक्स कंपनी के द्वारा कि भाई उनके घर से पूरा माँ बाप का साया उठ गया है। फिरोजाबाद शहर के क्षेत्र श्री राम कॉलोनी को अब तक ना तो नगर निगम में शामिल किया गया है और ना ही कहीं और, जहां इसको लेकर यहां के बाशिंदों ने पिछले दिनों भूख हड़ताल पर बैठ गए थे तो आज अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। उनका कहना है कि नेताओं और अधिकारियों ने उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन दिया है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। सर, 2008 में नगर निगम का सीमा विस्तार हुआ था, सीमा विस्तार में इन्होंने 13 ग्राम सभाएं, अधिकारियों ने 13 ग्राम सभाओं को शामिल कर लिया नगर निगम में, और श्रीराम कॉलोनी, हरिनगर, चांदी नाम बस्ती और विजय नगर कॉलोनी, ये क्षेत्र हमारा नगर निगम में शामिल नहीं किया, इसलिए ये क्षेत्र न तो नगर निगम में शामिल हो पाया उस समय और न ग्राम पंचायत का हिस्सा रहा। अब धीमे धीमे हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की, अधिकारियों को बताया, अवगत कराया, धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी अधिकारी और नेतागण हमारे बीच में आए, सांसद विधायक मंत्री जी आए, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। सच्चाई तो यह है, वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई कार्य न होने से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने हैं। आज महिलाएं विधवाएं हैं, करीब करीब 30-40 महिलाएं हमारे क्षेत्र में विधवाएं बैठी हैं, इनके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने हैं, इससे इनका विधवा पेंशन भी नहीं हो पा रही है, वृद्धावस्था भी नहीं हो पा रही है पेंशन, और नार की हालत बने हुए हैं, गलियों में पानी, जलभराव, मच्छरों का प्रकोप, गंदगी से घर घर बिछी चारपाई श्रीराम कॉलोनी की गवाह बनती जा रही है। तो इसको लेकर के अधिकारियों के रूखेपन से हमारी कोई समस्या नहीं समाधान हुआ, तो हमने ये फैसला लिया कि हम थोड़ा थोड़ा मरने से ज़्यादा अच्छा है एक बार मर लिया जाए, तो हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। हमारी मांग है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं और इस समस्या को देखें, समझें, अगर हमारी करने लायक समस्या है, हल करने लायक है तो करें, अन्यथा न करें, और सरकार के नुमाइंदे जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, इन्होंने हमारी समस्या को किसी प्रकार से नहीं सुना है। कब तक आप यहाँ टंकी पर बैठे रहेंगे? सर, जब तक हमारी समस्या का समाधान जब तक नहीं होता है। पाली जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोजत वर्ता अधिकारी चंदन सिंह निर्देशन ने पुलिस थाना बगड़ी नगर द्वारा अवैध डोडा पोस्ट की बड़ी कार्रवाई की है। कंटालिया पुलिस चौकी क्षेत्र के जंजारजी भवान जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी के दौरान गाड़ी में 294 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद की गई है। ग्वालियर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अवैधनिक रूप से संचालित हो रहे एक अस्पताल को सील कर दिया है। CMHO डॉक्टर मृदुल सक्सेना ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश से गैर कानूनी तरीके से संचालित नर्सिंग होमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सील अस्पताल संचालक के पास ना तो रजिस्ट्रेशन था और ना ही ट्रेंड स्टाफ,
खास बात ये थी कि जब स्वास्थ्य विभाग ने इसका निरीक्षण किया तो कोई भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं था। अगर कोई भी ऐसे इलीगल हॉस्पिटल नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करे जाएंगे। जैसा कि अभी प्रशासन का भी ऐसा मंशा है और माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कड़े कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए और किसी भी अवैधानिक रूप से चलाए जा रहे नर्सिंग होम या क्लिनिक पर किसी भी तरह का कोई भी ढील नहीं दी जाए। प्रशासन ने कितने चिन्हित करे हैं, कितने लोग ऐसी चेकिंग करी है? हम लोग टीम इसकी बनी हुई है लगातार और जहाँ से भी सूचना आती है हम उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसके पहले भी गणेश हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी हमने उसकी ओटी को सील करते हुए उनका जवाब समाधान कारक नहीं होने के कारण उसको भी सील किया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत का जनपद बहराइच आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। बहराइच समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई, माना के विपरीत हुए अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन की जांच के आदेश दिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला और कहा कि विद्युत विभाग अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन के दौरान भ्रष्टाचार हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में बीती रात तेज हवा और बारिश से किसानों की धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बारिश के कारण बड़ी फसल नीचे गिर गई और खेतों में पानी भर गया। प्रकृति एक बार फिर किसानों की परीक्षा ले रही है। शनिवार की सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई जिससे खेतों में खड़ी धान की फसल गिर गई। किसान खेतों की हालत देखकर बेहद परेशान है। कुदरत की मार के कारण किसानों के चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। जी आपका नाम? मुस्तकीम। बताइए जो तेजी हवा चलने से आपको क्या नुकसान हुआ? भाई नुकसान तो ये हुआ सारे तो गिर गए। अच्छा। और सारी मुंजी जा पड़ी, यही मुंजी थी मेरे पर तो, और तो कोई मुंजी भी नहीं थी कहीं सी। कितना नुकसान है आपका? बहुत काफी नुकसान है भाई। हवा कितनी तेजी पे थी? बहुत ज्यादा तेजी पे थी। एक भी सब गिर चुके? सब गिर गए, एक तरफा पीछे पड़े, चाहे आके मौके मारने पे देख लो। अच्छा, कितनी मुंजी थी आपके पास? मुंजी तो भाई मेरे पास 4-5 की बीघे थी। अच्छा, और जो आप ये बता रहे उर्दों की फसल में क्या हुआ है? उर्दों की फसल में लील गांव के लील घोड़े चुग गए सारी को। कद चुग गए? अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर ही चुग गए आके। अच्छा। बाड़मेर जिले के उपखंड गुड़ामालानी के ग्राम पंचायत बाखरपुरा में आदर्श राजकीय चिकित्सालय बाखरपुरा में पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ की कमी से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सालय की छत की जर्जर हालात की बात करें तो कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन व विधायक को अवगत कराने के बाद भी जिम्मेदार लोग आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। हमने तो ये दोनों के अलावा देखा ही नहीं। वो ये टाइम पे आते हैं, एक दो बार फिर ये राण जी का खुद का लफड़ा हुआ था, ये बोले कि हम टाइम से 10-15 मिनट लेट आएगा तो चलेगा ठीक है, और आप बोलोगे कि लेट आ गए तो हम ड्यूटी खत्म होने के बाद भी एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। अगर हम कभी कभार अगर लेट हो जाएंगे तो आप गांव वाले हमें कह नहीं सकते कि भाई तू लेट क्यों आया, क्योंकि हम ड्यूटी अगर खत्म हुई, किसी की ड्रिप लगी हुई है तो हमारी ड्यूटी खत्म होते ही हम चले जाएंगे, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि भाई आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है, आप 10 मिनट रुक सकते? आपको ऐसा किसने बोला? ये राण जी खुद ने बोला, परसों मेरी बात हुई, राण जी ने बोला, मैं परसों या पहले दिन कुछ लफड़ा हुआ था, एक और वीडियो वायरल हुआ था, तो ये बोला कि मैं 10 मिनट लेट आया, लेकिन गांव वाले इतनी दादागिरी करेंगे तो मेरा जो टाइम होगा कि अभी एक मिनट ऊपर होगा है तो ड्रिप लगी हुई, मैं उस ड्रिप को छोड़ दूंगा और निकल जाऊंगा। क्यों भाई, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो बोला कि हमारा भी परिवार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में उपचुनाव की अधिसूचना जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 23 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 अक्टूबर को और नाम वापसी की तारीख 3 अक्टूबर घोषित की गई है। जनपद में चुनाव 21 अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अब जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और सभी जनपदवासियों से अपील है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। जिलाधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिए कि शरारती तत्वों पर पूरी तरह ध्यान रखें और गलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।